की शुरुआत में मैं हूँ मैरिनेट, एक नॉर्मल लड़की जिसकी है नॉर्मल लाइफ। पर मेरे बारे में कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मेरा एक सीक्रेट। मिरेक्युलस है सबसे खास, करते वो हल जो भी होगा ना। मिरेक्युलस सबसे आना, प्यार की ताकत सबसे प्रबल। मिरेक्युलस। I'm sorry वेहम, पर आज दोपहर को मेरा ऑडिशन है और फिर एक फेंसिंग क्लास भी, और हम जल्द ही मिलेंगे। तुम मेरे नंबर वन फैन जो हो, तुम्हें पता है मेरे डैड मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। सच में तुम्हारे फ्रेंड्स घर पर नहीं आते? ये तो गलत है। किसी दिन मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे डैड का मन बदल दूंगा, फिर हम दोनों साथ में मजे करेंगे। क्या कहते हो? मेरे डैड का मन आसानी से नहीं बदलता, पर तुमने कहा वही बहुत है। ओके, अब मुझे शूट से पहले होमवर्क खत्म करना है। बाय वेहम। बाय एड्रियन। तुम्हारे डैड शहर से बाहर है तो उसका फायदा उठाओ, फ्रेंड्स को घर बुलाओ और मजे करो, जिंदगी जियो। तुम मेरे डैड को अच्छे से जानते हो, उनकी पीठ के पीछे मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर अगर मैं एंजॉय करना भी चाहूँ तो मेरा बॉडीगार्ड कहाँ मुझे अपनी मनमर्जी करने देगा? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, और अपनी ढेर सारी चीज का स्टॉक, हम उसी से खुश रहेंगे। सब प्लान के मुताबिक नैटली? हाँ, एयरपोर्ट जा रही हूँ सर। सबकी नजरों में आप वीकेंड पर टोक्यो में रहेंगे, किसी को शक नहीं होगा कि आप घर पर हैं। परफेक्ट। एमिली, तुम्हें कितना मिस करता हूँ, पर मेरे अकुमा की मेहरबानी से जल्द ही तुम मेरे साथ होगी। बस कुछ ही वक्त में उनके मिरेकुलस मेरे कब्जे में होंगे। उन्हें मर्ज करके मैं हकीकत को नया रूप देकर हमारी पिछली गलती को मैं रिवर्स कर दूंगा। वो तैयार हैं, नूरू फसल काट दो। ओके, हमारा लक्ष्य याद रखना, हमें पार करना है अभेद्य किले को, यानी कि एड्रियन का घर। हमारी बड़ी रुकावट एड्रियन के डैड टोक्यो फैशन वीक में गए हैं रुकावट नंबर दो के साथ, और रुकावट नंबर तीन से निपटने के लिए हमारे पास अपना एक सीक्रेट हथियार है। ऑपरेशन एड्रियन शुरू होता है अभी। इसी वक्त? हाँ, इसी वक्त। और कब? इसी वक्त। मैंने मिलन को प्रॉमिस किया था कि उसके साथ नदी किनारे पेड़ लगाऊंगा। एक सेकंड, वो वाला प्रोग्राम आज है? हाँ, और अगर हम नहीं गए तो लड़कियों के मायूस होने की प्रोबेबिलिटी है 100%। इसीलिए मैंने तुम सभी के लिए एक अच्छा सा बहाना सोच रखा है, जैसे कि किम, तुम्हारी स्विमिंग क्लास है। अच्छी बात है, मैं हमेशा ट्रंक्स पहने रहता हूँ। यार, तुम्हारी सच में स्विमिंग क्लास नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। पर ये तो झूठ बोलना है। सॉरी, पर मैक्स ने सही कहा, लड़कियों को इसका पता नहीं चलना चाहिए। तो मिशन मंजूर है ना एड्रियन के लिए? गाइस, तुम्हें पता है लड़के कहाँ रह गए? नीनू को अचानक उसकी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में डीजे बनकर जाना पड़ा। आइवन को दांत में दर्द था तो उसे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। नथानियल का कंप्यूटर क्रैश हो गया और उसकी और माँ की कॉमिक बुक के पेजेस डिलीट हो गए। मैट और मार्को उनकी मदद कर रहे हैं। किम को एक कंपल्सरी स्विमिंग क्लास के लिए जाना पड़ा, पर अजीब है कि ये बात उसने मुझे क्यों बताई। बहानों से याद आया, मैं भूल गई कि मुझे आज अपने ग्रैंडपा को केक बनाने में मदद करनी थी, उनके एक चूहे का बर्थडे है। सॉरी मिलन, फिर मिलेंगे गर्ल। क्या मैंने कुछ मिस किया या आज बकवास बहानों की वर्ल्ड चैंपियनशिप है? हेलो, हम एड्रियन से मिलने आए हैं, हमें एक स्कूल प्रोजेक्ट पर साथ में काम करना है। तुम दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो फिगर कलेक्टर्स में से एक हो, क्या ये सच है? तुम्हारे कलेक्शन में सिर्फ कुछ ही पीस कम है, और क्या उनमें से एक ये है मजिस्टियम मिलेनियम एडिशन? ये लो। और हाँ, एड्रियन के दो और दोस्त कुछ देर में आने वाले प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए। विंटेज नाइट आउट 65th एनिवर्सरी एडिशन। लेकिन अगर मेरे जुलेका, रोज, एलिया, एलेक्स या मेलियन हमारे बारे में पूछे तो उन्हें अंदर मत आने देना। ये आसानी से मानने वालों में नहीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम स्कूल प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? अरे वही स्कूल प्रोजेक्ट। ओह, वो प्रोजेक्ट। हाँ,
तुम्हारे घर कभी कोई दोस्त मौज मस्ती करने नहीं आए ना? हमारी जॉब मर्जी होती है, हम पार्टी करते हैं। इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए हमने प्लान बनाया है। तुम तो बहुत जबरदस्त हो, पर मेरे डैड कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। अच्छा होगा अगर तुम लोग पर हे, अगर ज्यादा देर तक ना करे और अगर उन्हें पता ना चले तो हम पार्टी जेट स्विम बाथटब। शुक्रिया, मैं तैयारी करके आया हूँ। मुझे कब से अपने रूम में चाहिए था। ऐसा कोई गेम नहीं जो तुम्हारे पास नहीं है भाई। सबसे कूल चीजें हैं यहाँ तो। अभी तुमने कुछ नहीं देखा। क्या बात है? मैं रिनेट, ये रास्ता बेकरी का नहीं है। जानती हूँ टिकी, मैंने यूँ ही कहा था ताकि अपनी जासूसी में रुकावट ना आए। तुमने दोस्तों से झूठ कहा? मैं मिलेन को अपसेट नहीं करना चाहती थी। आज पेड़ लगाने का आइडिया उसका था, पर कहीं कुछ गड़बड़ है। कोई भी लड़का नहीं आया, सबने झूठे बहाने बनाए। और सच मानो तो झूठा बहाना सुनते ही मैं पहचान जाती हूँ। मैं इस काम में एक्सपर्ट हो गई हूँ जब से मैं बनी। वही जो तुम्हें पता है। एक आइडिया है, आइवन को कॉल करती हूँ। वो झूठ नहीं बोल पाएगा और अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो मुझे जरूर बता देगा। उसने ड्रिबल किया और पास किया किलिन नकाकी को। मैरियट का कॉल है। मत उठाना, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ हो तो फिर इस पार्टी को भूल जाओ। मैरिनेट का फोन है। साबित हो गया वो सब साथ में है और मुझे शायद पता है कि वो कहाँ हो सकते हैं। एजेंट के डैड फैशन वीक के लिए टोक्यो गए हैं। देखने वाला कोई नहीं तो सबके मजे ही मजे हैं। मैरिनेट का फोन क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि दोस्तों के साथ पार्टी करने के मौके की ओर से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। पर मैरिनेट तो मेरी दोस्ती है ना। हाँ, पर नहीं, इस वक्त उसके साथ है उसके दोस्त, इसलिए हम जाकर उसे और उसके दोस्तों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वरना हम अच्छे बच्चे नहीं कहलाएंगे, समझे ना? नहीं नो, ये सब मेरी समझ के तो बाहर है। ओके, म्यूजिक। ये पुराने रिकॉर्ड्स तुम्हारे तो नहीं हो सकते? ये मेरी मॉम के हैं। और एक सेकेंड, क्या ये इतना ही तेज होता है? और फैशन मार्को, तुम इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हो? हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रिक पैनल से कनेक्ट करना होगा। मुझे पता था। क्या ऐसा करना सही होगा? अभी लड़के एक साथ एजेंट के घर पर हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं कह दूंगी कि यहाँ से गुजर रही थी और एक और झूठ, सिर्फ आधा सच। तुम्हारे घर में जबरदस्त पावर सप्लाई है एड्रियन, ये किसी न्यूक्लियर पावर स्टेशन से कम नहीं है। मेरे डैड को हमेशा सब बेस्ट ही चाहिए। कूल, तो मुझे भी दो सबसे बड़ा और बेस्ट। सिस्टम बंद हो गया। एमिली, बहुत हो चुका। यही सही मौका है। इतना शोर किस बात के लिए है? सॉरी ऑफिसर, हम तो बस स्कूल प्रोजेक्ट, हाँ स्कूल प्रोजेक्ट करने आए थे। टॉपिक क्या है? कान के पर्दे फाड़ना? नहीं, वो फुटबॉल। सीरियसली? तुम गलत तरीके से कर रहे हो, मैं सही तरीका दिखाता हूँ। कैसेट तो बोली आज गोल। हम कास्टिंग के लिए आए हैं। अरे वाह, क्या बात है, फोटोशूट के लिए एकदम परफेक्ट है। एजेंट की एक स्कूल फ्रेंड हूँ और उसने मुझे उसकी पार्टी में बुलाया है। एड्रियन, ये ट्यून्स मस्त है, रॉक एंड रोल। लड़कों को अंदर जाने दे रहे हैं और मुझे नहीं। लड़के लड़के लड़के, ओह हाँ।
अपने छोटे मालिक से कहो उनका फेंसिंग कोच बाहर खड़ा है, समझे? क्या मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूं जब तक मेरी बेटी के मेकअप का भूत ना उतरे? सर जी, मुझे आइसक्रीम डिलीवरी करने के लिए कहा है। माफ करना, मेरा पिजन खो गया है। मैंने उसे तुम्हारे घर के पीछे जाते देखा था। डैडी, आपका मेकअप अभी खत्म नहीं हुआ। डैडी, इस बुजुआ ने मुझे उनके डैड को यहाँ ढूंढने भेजा है, कहीं वो यहाँ तो नहीं आए हैं। चलो लिफ्ट फ्लोर लाने के लिए शुक्रिया। किसे पसंद है? मत रहो। दोस्तों के साथ ऐसी पंख गुजरता है? नहीं, पंख गुजारना चाहिए। अरे मोटा भाई, मैं हूँ मणिलाल, तुम्हारा पड़ोसी। सुना है यहाँ पार्टी चल रही है सिर्फ लड़कों की, इसलिए मुझे भी आने दो, क्योंकि मैं लड़का हूँ। बल्कि इतने सारे मस्कल्स के साथ तो मेरे लिए चल पाना भी मुश्किल है, देखो जरा। मेरा मतलब ए हल हलो। मास्टर फू? कौन मैं? बिल्कुल नहीं, मैं हूँ डीजे वॉन्ग। देखिए देखिए मास्टर, मैं हूँ मैरिनेट। मैरिनेट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो बहुत संभल कर रहना चाहिए था ना, मिराकुलस को हॉकमोथ से छुपा कर रखने के लिए, याद है? घबराओ मत मैरिनेट, मिराकुलस एकदम सेफ है। डेस्टिनेशन, मुझे जवानी के दिन याद आ रहे। हम हॉलिडे कैंप डांस करते हैं। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैप्टन हसन भी? इसमें क्या खतरा हो सकता है? हमारे साथ बटलर है, आइसक्रीम मैन है, पुलिस मैन है, जेनेटर है, और मैं बन जाऊंगा फायरमैन। जेंटलमैन, आप लोग जरूर डांस कर पाओगे। तुम्हारा स्टाइल मस्त है। थैंक यू नौजवान, तुम्हारे नेचुरल रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छे हैं। मदद करना, दूसरों की नेचुरल रिफ्लेक्स होनी चाहिए, जैसे फिश के लिए स्विमिंग। Noodle, duck legs, rice! मुझे बाहर से पावर शुरू करने के लिए कोई चाहिए। कोई नेगेटिव इमोशन महसूस नहीं हो रहा यहाँ सिर्फ। जॉय, मेरे घर में क्या हो रहा है? तुम्हें ना सिर्फ घर पे फ्रेंड्स बुलाने की इजाजत है, बल्कि एक बड़ी पार्टी भी चल रही है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा एड्रियन? एक नेगेटिव इमोशन है कहीं पर, आखिर कहीं से एक मायूसी की जबरदस्त लहर उठी। उड़ जाओ मेरे नन्हे अकुमा और उसे इवलाइज कर दो। पार्टी क्रैशर, मैं हूँ हॉक मॉथ। तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया, आओ मैं तुम्हें उस पार्टी में घुसकर उसे खत्म करने का पावर देता हूँ। चलो पार्टी शुरू करते हैं हॉक मॉथ। जो भी मेरे घर में घुसा है उसे सबसे खतरनाक सुपर विलेन का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना मेरे लिए आसान है, तुम्हारे डांस स्टेप्स और तुम्हारे मूव मैं पहले ही जान लेता हूँ। मैरिनेट? नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ मणिलाल। हाँ तो एड्रियन, नंबर वन फैन के लिए टाइम नहीं है। वेल, आज के बाद तुम मुझे अपनी किसी भी पार्टी में बुलाना नहीं भूलोगे। एड्रियन, कहाँ छुपे हो एड्रियन? मैरिनेट, भाग कर छुप जाओ।
फ्लैग, चलो शुरू करें। टिकी बचाओ। परफेक्ट। हमारा सरप्राइज गेस्ट किसी भी वक्त पहुंच जाएगा। हेलो डिस्को ड्यूज, तुम समझ गए होंगे जब हीरो एंट्री करते हैं मतलब पार्टी खत्म। नादानो, तुम्हें छू भी दिया तो तुम्हारे मिराकुलस मेरे हो जाएंगे। कैसे पता चला कि मैं क्या करने वाला हूँ? वो अपने पावर की वजह से हमारे मूव्स जान लेता है, उसे चौंकाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लकी चार्म। एक पुरानी कसम। नहीं। वहाँ अकेले मत जाना, अकेले तुम कभी नहीं जीत पाओगे। मुझे मेरी लेडी वापस दो। बुद्धू, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं तुम्हारी हर चाल पढ़ सकता हूँ। मदद की जरूरत है। Hey Pegasus, Viperion, Carapace, चलो अपना कमाल दिखाओ। Viperion और वक्त में वापस लौटने के लिए उसके पावर से बचना। Second chance। घबराओ मत कैटनॉयर, हम तुम्हारी मदद करेंगे। Shell। Second chance। घबराओ मत कैटनॉयर, हम तुम्हारी मदद करेंगे। Shell। एक ही मिराक्युलस है जो आज हमें बचा सकता है, और ये वाला बहुत खास है। मैं प्लशी नहीं हूँ, मेरा नाम है जूफू, समझे तुम? हाँ समझ गया बड़ बोली, और मैं हूँ किम। सोच रहा हूँ कहीं ये गलत चाल तो नहीं चल रही। तुम सब इतना कहो, शो टाइम। जूफू शो टाइम। कमाल कर दिया पार्टी क्रैशर, अब तुम बस मुझे मिराकुलस भेज दो। लेट्स डांस। हे जरा एक मिनट, पार्टी करना तो किंग मंकी को पसंद है। ये लो केला क्यों फेंका? ये क्या हो रहा है? सॉरी, एक दूसरे के पावर्स में गड़बड़ी करना पसंद है। कैरापेस, हमें प्रोटेक्ट करो। टेलीपोर्ट होकर इसे प्ले करने के लिए कुछ लेकर आओ। माफ कीजिए सर, पेरिस को बचाने के बाद इसे लौटा दूंगा। इसका उपाय यही है कि ऐसे डांस मूव्स करो जिससे वो गेस ना कर पाए। तो शुरू हो जाओ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये डांस नहीं है। Huh?
कर लिया। अलविदा नन्ही तितली। Miraculous Ladybug! कर दिखाया! जोर से घिसो दोस्तों, मिस्टर अग्रेस के आने से पहले हमारी जबरदस्त पार्टी के सभी निशान मिट जाने चाहिए। I'm sorry, Wayham. मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे दोस्त यहाँ आने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि तुमने पार्टी का मजा लिया, चाहे मेरे साथ या मेरे बगैर, और आज मैं अपने आइडल के साथ उसी के घर पे पोछा मार रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो शायद हालात कुछ और होते। मैंने भी आज पूरा सच नहीं बोला, लेकिन इसलिए बोला। अगर जल्दी करें तो अभी गर्ल्स के साथ पेड़ लगा सकते हैं। अच्छा आइडिया है। लेडीबग कैट नोआर, जल्द ही किस्मत तुमसे रूठ जाएगी और कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें एक डांस में ले जाऊंगा जहां तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा।